नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। सुजालपुर, मंगलवार को स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन की प्रदेश मीडिया प्रभारी उषा सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए जा रहे कामों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश शासन द्वारा कर्मवीर कल्याण योजना की घोषणा की गई। घोषणा के मुताबिक कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम में कार्यरत कर्मियों को बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। उषा सिंह ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 मरीजों के सीधे संपर्क में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी, जो आज तक नहीं मिली। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। ज्ञापन देने के दौरान आयुष डॉक्टर जीवन सिंह मेवाड़ा, डॉक्टर संतोष खरसौदिया, लैब टेक्नीशियन दुर्गेश कारपेंटर, नर्सिंग स्टाफ के जिलाध्यक्ष शुभम उपाध्याय, संगीता मालवीय, जिला प्रभारी मयंक चौरसिया, मनोहर नागर उपस्थित रहे। किसानों के हित में एक बार जोरदार ताली बजाकर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अपना मध्यप्रदेश किसी के चक्कर में। सर, आज जो आपने ज्ञापन दिया मंत्री जी को, किस विषय को लेकर दिया? हमने जो मुख्य बिंदु है कि सबसे पहला है कि हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए, जो कि कोविड उन्होंने बॉन्ड पे रखा था, नियमितीकरण करके। दूसरी चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी ₹10,000 में प्रोत्साहन राशि देने का, वो भी हमें मिला, दिया जाए, अभी तक नहीं मिला है। तीसरी चीज़ ये है कि 50 लाख की जो बीमा की घोषणा हुई थी वो लागू किया जाए हम कोरोना योद्धाओं के लिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोरोना मरीज के संपर्क में आते हैं और हमारे स्टाफ के लोग उससे प्रभावित भी हुए हैं, पॉजिटिव भी हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं। तो सरकार से निवेदन है कि बस ध्यान रखें हम लोगों का और नियमितीकरण करें। अभी जरूरत भी है कर्मचारियों की, तो बस यही निवेदन है। मंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला भी आपको? वो बात करेंगे, बस ऐसे ही बोला है मंत्री जी ने। आपका शुभ नाम? तो डॉक्टर जीवन मेवाड़ा। आयुष चिकित्सा। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.